हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की मैथ चैप्टर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि जितना भी चीज आपको दे रखी है इसको आपको मानक रूप में परिवर्तित करना है। मीन सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता क्या है, जैसा अभी हमने लिखा था एक्स प्लस आई वाई, या फिर ये भी कह सकते हैं ए प्लस आई वी। ठीक है, इस फॉर्म में मतलब काल्पनिक भाग लिखिए, वास्तविक भाग लिखिए और काल्पनिक भाग लिखिए और आई इस तरह से होना चाहिए साथ में, तो इसे कहते हैं इसका मानक रूप। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मानक रूप में लेकर आएंगे। एक बटे एक माइनस चार आई माइनस दो बटे वन प्लस आई, ये एक ब्रैकेट में है। उसके बाद थ्री माइनस चार आई अपॉन में फाइव प्लस आई, इसे हमें सॉल्व करना है और मानक रूप में लेकर आना है। ठीक, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4 आई 1 प्लस आई आएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस आई से 1 प्लस आई भाग देने पर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 4 आई बचेगा, जिसका गुणा माइनस 2 में करना है। और इस वाले हिस्से को हम इसी तरह से लिखे रहेंगे, 3 माइनस 4 आई बटे में है 5 प्लस आई। इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आई माइनस दो का गुणा अंदर करेंगे, दो दो चौको आठ आई बटे में, इनका भी आपस में हम गुणा कर लेंगे तो वन का गुणा वन में करेंगे, वन आएगा। माइनस फोर आई प्लस आई माइनस फोर आई स्क्वायर, थ्री माइनस फोर आई बटे में फाइव प्लस आई। इस वाले हिस्से को अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए, इस आई को इस वाले आई के पद के साथ हल कर सकते हैं और वन से टू साथ में हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस का वन आएगा और प्लस का नाइन आई आएगा बटे में। यहाँ पर वन है, यहाँ पर फोर आई और ये वन आई है, घटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आई स्क्वायर है। ठीक है, साइड में देख लीजिए कि यहाँ वन लिखा हुआ, एक संख्या हमारे पास ये और ये भी एक संख्या के रूप में हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये माइनस फोर लिखा और आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है रख दे तो हो जाएगा वन प्लस फोर, जो कि सॉल्व करने पे फाइव आ जाएगा। इस तरह से फोर आई और वन आई को यहाँ पे घटा लेंगे तो माइनस का थ्री आई आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में था थ्री माइनस फोर आई अपॉन में फाइव प्लस आई, माइनस थ्री, माइनस वन का पहले थ्री में गुणा किया, अब माइनस फोर आई में गुणा करेंगे तो प्लस का फोर आई, नौ आई का तीन में गुणा करेंगे तो नौ त्रिक सत्ताईस आई, नाइन आई का माइनस फोर आई में गुणा करेंगे तो माइनस नौ चौको छत्तीस आई स्क्वायर बटे में, इनका भी नीचे गुणा करेंगे, पांच पच्चे पच्चीस, इसका हमने इससे गुणा किया, इससे गुणा करते हैं माइनस पांच तय पंद्रह आई, अब आई से गुणा करते हैं फाइव आई माइनस थ्री आई स्क्वायर। जहां जहां आई स्क्वायर होगा वहां पे आपको माइनस वन समझना और उसके आगे की संख्या में गुणा कर लेना है। माइनस थ्री, यहाँ पे इनको हल कर सकते हैं, सत्ताईस और चार इकतीस आई माइनस छत्तीस माइनस वन पच्चीस, पंद्रह में से पांच हम घटाएंगे तो माइनस का दस आई आ जाएगा, माइनस थ्री और यहाँ पर माइनस वन आई स्क्वायर की जगह रख दिया हमने। माइनस छत्तीस और माइनस वन गुणा करेंगे तो प्लस का छत्तीस होगा, प्लस के छत्तीस में से जब हम तीन घटाएंगे तो प्लस का तैतीस आएगा, प्लस इकतीस आई बटे में पच्चीस और यहाँ पे प्लस का तीन होगा, जोड़ देंगे तो अट्ठाईस हो जाएगा, अट्ठाईस माइनस दस आई। अब क्योंकि हमें इसको मानक रूप में लाना था, मतलब कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना था, मीन्स काल्पनिक भाग अलग होना चाहिए और वास्तविक भाग अलग होना चाहिए, और बटे में इस तरह से हमें i नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हर में आपको संख्या दिख रही है इसका आपको संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। संयुग्मी किसे कहते हैं, जैसे अगर x प्लस आई वाई लिखा है तो इसका संयुग्मी x माइनस आई वाई कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में बताया था।
तो सबसे पहले देख रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दो कॉमन हो सकता है, 33 + 31 i, दो हमने कॉमन ले लिया, 14 - 5 i। इसका संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 14 - 5 i का संयुग्मी होगा 14 + 5 i, और यहाँ पे भी 14 + 5 i कर लेंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हल कर ले रहे हैं, आप एक एक पद से इसको हल कर सकते हैं। इसको हल करने पे यहाँ पे आएगा 307 + 599 i, और जब नीचे हल करेंगे तो दो को छोड़ दीजिए तो ये देखिए a b, a और b, a माइनस b और a प्लस b, जिसका सूत्र होता है a² - b² तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 - b² और b की जगह है 5 i, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और i² का जब आप मान रखोगे -1 तो कितना हो जाएगा -25, और बाहर पहले से ही सूत्र में क्या होगा माइनस तो हो जाएगा +25। 307 + 599 i, दो का हम अंदर गुणा कर लेते हैं, इसमें पहले जोड़ लेते हैं, 196 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो हमें कितना मान मिलेगा 221। 221 में अगर हम दो का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 442। अब हमें a प्लस आई बी के रूप में मतलब वास्तविक और काल्पनिक भाग को अलग करना है तो 307 के बटे में 442 लिख सकते हैं और 599 i के बटे में भी इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो 307 / 442 प्लस i 599/442, या आप i को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया इसका मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x माइनस आई वाई बराबर आपको दे रखा है अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन में सी माइनस आई डी, तो सिद्ध करना है कि x² + y² का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² और बटे में है c² + d² के। तो हम देख रहे हैं कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें यहाँ पर कहीं भी वर्गमूल नहीं लगा, तो सबसे पहले इस वर्गमूल को ही हमें खत्म करना होगा। तो यहाँ से लेके चलना है क्योंकि ये कंडीशन आपको दे रखी है और ये आपको पूरा का पूरा सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो इनको ले लेते हैं जो आपको दिया है, x - iy = a - ib अपॉन में है c - id, क्योंकि आपको रूट खत्म करना है। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर ये नीचे वाले जो संख्या लिखी हुई है इसका अगर हम संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये जो i है वो खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम दोनों तरफ वर्ग कर सकेंगे। ठीक, तो हम संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं क्योंकि अपॉन में हम इस i को खत्म करना चाहते हैं, c + id बटे में c + id। a का गुणा c से करेंगे, ac - ib का c से गुणा करेंगे तो ibc प्लस इसी तरह से id के साथ गुणा करेंगे एक एक करके, iad - i²bd, a + b a - b, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a² a की जगह c है - b² b की जगह है id। ठीक, वही वैल्यू आएगी जैसे अभी हम एक एक करके गुणा कर रहे थे। ac लिख लेते हैं और यहाँ i² का मान -1 होता है और जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये और bd हो जाएगा, तो इनको एक साथ लिखेंगे ac + bd, ये एक साथ कर दिया हमने, प्लस यहाँ पर i कॉमन हो रहा है तो हमने i कॉमन लिया और पहले हम पॉजिटिव वाला हिस्सा लिख लेते हैं ad - bc, यहाँ पर c² - i² करेंगे और d² बाहर माइनस लगा हुआ है, i² का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे गुणा करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा d² + d²। अब ये हिस्सा आया, अब इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते बट हमें ये रूट हटाना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ इसका वर्गमूल करेंगे जिससे कि ये रूट खत्म हो जाएगा। x - iy है इधर दोनों ओर वर्ग करने पर,
इधर कवर करेंगे, एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर करना होगा, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी। इसके साथ इसको अलग कर लेते हैं, काल्पनिक भाग को, वास्तविक भाग को अलग कर लिया और काल्पनिक भाग को हम इस तरह से अलग करके लिख सकते हैं, और रूट हट चुका है। ठीक, अब इधर वाले पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र हम खोल रहे हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हमने इसका सूत्र खोल लिया। इसको हम इसी तरह से लिखे रहेंगे। एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का टू एक्स वाई, और आई हमने अलग कर लिया। देखिए ये वाला वास्तविक भाग हो गया और ये काल्पनिक भाग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास वास्तविक और काल्पनिक भाग है, तो हम तुलना कर लेंगे। तो वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना करेंगे और काल्पनिक से काल्पनिक भाग की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा ए सी प्लस बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है तो हम इस माइनस को यहाँ पे दे सकते हैं। बराबर माइनस लगा दिया हमने, और हम ये वाले हिस्से को लिख लेंगे, ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या पहले बी सी और ए डी लिख लेंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है मेन काम करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको मिला है, मगर हमें यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इसका अगर हम स्क्वायर खोलें, ठीक, तो किसके बराबर होगा, क्योंकि उसको हमें इसके और इसके रूप में तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, वो क्या होगा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट हम जब इधर एक टर्म खोलेंगे, देखिए जब ये वाला आप इसको खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, एक्स की घात चार वाई की घात चार और प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्योंकि इसको इसके बराबर में लिख रहे हैं तो इधर बैलेंस हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर ये वाला सूत्र भी खोलते हैं तो ये दोनों तो बैलेंस हो रहे हैं, है ना, दोनों तरफ, ठीक है, पावर फोर आएगी, मगर जब इसको खोलेंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और हमें यहाँ पे प्लस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा में क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इसी को लिख रहे हैं, प्लस का टू एक्स वाई का, ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, यही आपको ध्यान में रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मान कितना है, ये जो हमने लिखा है इसके बराबर है, ए सी प्लस बी डी बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई का भी मान हमने यहाँ पे निकाला, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, ए डी माइनस बी सी बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये वाला इधर वाला हिस्सा तो आ चुका है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा स्क्वायर चाहिए था, ये हमें मिल गया। अब इधर वाले हिस्से को हमें बनाना, तो हम इधर वाले दाएं पक्ष को हल करेंगे, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व कर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे, हमने खोला था ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास एक मान था तो उसका भी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना था, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी, और बटे में सेम वैल्यू थी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर करना था। ठीक, अब क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का जो हर है वो बिल्कुल समान है, तो ऊपर कुछ भी अंतर नहीं आने वाला, इनको हम इसी तरह से हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी, और पूरे बटे में हमने इसका एलसीएम ले लिया सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं कि ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास चार पद बचे हैं तो हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये जो बी डी स्क्वायर है इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा, तो हम किसके साथ कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ। इनसे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले पद के साथ यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में वही डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या उसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लीजिए, बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ से हमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की हमारे पास दो घात है, तो ये दो घात से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में आपके पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। इस विविध प्रश्नावली में इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि बिल्कुल इसी तरह से है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।